नमस्कार, मैं सत्यजीत वरेकर, मैं कराड़ से हूँ और सांगली के कलाश्व महाविद्यालय में मेरी GDR की शिक्षा पूरी हुई है। वहीं मैं अभी अध्यापन का काम करता हूँ। मैं रिस्पेक्टेड हिना भट्ट मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे इस इवेंट में काम करने का मौका दिया, जिस इवेंट में बहुत प्रतिभावंत चित्रकार काम करते हैं। मैंने जब आर्ट स्कूल में मेरी पढ़ाई पूरी की, उस दरमियान मैं आर्ट स्कूल में एकेडमिक प्रोसेस से काम करता था। आउटडोर स्टडी इस प्रकार में निसर्ग को पेंट करता था। जब जो निसर्ग दिखता है वही मैं पेंट करता था, लेकिन अभी इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के विचार से, नेचर से प्रेरित होकर मेरे मन में जो भावना तैयार होती है, नेचर का फील ही मैं पेंट करना चाहता हूँ और यही मैंने अभी प्रयास चालू किए हैं। GDR के बाद मैंने कोल्हापुर के कला मंदिर महाविद्यालय में अध्यापन का काम किया। उस दरमियान चित्रकार GS माजगावकर सर और आर्टिस्ट अमर देशमुख, उनके लैंडस्केप पेंटिंग ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनके पेंटिंग और इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो मोनेट जैसे या NS बेंद्रे, उनके कलर स्कीम, उनका एप्लीकेशन मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं ज़्यादातर फिगरेटिव पेंटिंग और लैंडस्केप में काम करता हूँ। उसमें मुझे लैंडस्केप पेंटिंग ज़्यादातर फॉर्म, स्पेस, रियलिटी, इसका ही ज़्यादातर विचार करना पड़ता है। लाइट, स्पेस और वहाँ की हलचल, वहाँ का फीलिंग ही मुझे कैनवास पे पेंट करने का मैं प्रयास करता हूँ। अभी इस कैंप में मैंने 2 लैंडस्केप बनाए। उसमें काम करते वक्त मैंने एक्रिलिक कलर के माध्यम का यूज़ किया। इस माध्यम का यूज़ दोनों तरह करना अच्छा होता है, या ट्रांसपरेंस या ओपेक। मैंने ओपेक में ज़्यादातर काम करता हूँ और मिडल से शुरुआत करता हूँ और बाद में लाइट और डीप का मैं यूज़ करता हूँ और वो मुझे काम करना पसंद होता है। इस कैंप में काम करते वक्त मुझे मैडम ने सूचित किया था कि मैं हरनी बंदर पे काम करूँ। उस सीरीज में मैंने 2013 में काम किया। मैंने इस कैंप के 2 पेंटिंग कोकन के हरनी बंदर पे किए हैं। वहाँ का समुद्र का बोट, लोगों की लगभग वहाँ का एटमोसफियर, वहाँ का नेचर के फॉर्म मैंने मेरे कैनवास पे पेंट करने का प्रयास किया। पोर्ट्रेट में ज़्यादातर मुझे 7 या 8 फीट के दरमियान ही स्पेस पेंटिंग का विचार करने में मिलती थी और उसी पर ही मुझे कंपोज करना पड़ता था, लेकिन लैंडस्केप पेंटिंग के कारण मुझे 300 या 400 फीट तक का स्पेस, मुझे 3x4 के कैनवास पे कंपोज करने का मौका मिला और इस पेंटिंग करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कैंप के कारण मेरे 2 पेंटिंग तैयार हुए और ये पेंटिंग तैयार करते वक्त मुझे बहुत आनंद मिला और इसके लिए मैं हिना भट्ट एडवेंचर का बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद।